बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ट्राइटेल सक्सेस चैन की जानिब से आप सबको अपनी चैन में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, पाक स्टडी का एक दूसरा पार्ट अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ये UET के पेस्को के लिए जो टेस्ट आ रही हैं, ये उसकी प्रिपरेशन सीरीज़ है। तो इंशाल्लाह इसका सीरीज़ का बहुत सी वीडियो अगले चंद दिनों में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अभी इसके बाद IT का एक वीडियो अपलोड करने की करूँगा इंशाल्लाह। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान? तो कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले दस्तूर साज असम्बली के सदर थे। दस्तूर साज असम्बली आइन बनाने के लिए एक असम्बली कायम की गई जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कहते हैं, तो उसके पहले सदर कायदे आज़म थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान ने पहला आइन 9 साल बाद हासिल किया, 1956 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 33 देखें। व्हाट डॉक्यूमेंट्स वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव फेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो थे वो उसके इसी के बिना पर पाकिस्तान ने पहला आइन तैयार किया। और क्वेश्चन नंबर 34 देखें। When the Constitution of Pakistan Assembly passed the Objective Resolution, तो 12 मार्च 1949 को Objective Resolution करारदाद मकासद पास हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। When मोहम्मद अली बोगरा presented बोगरा formula इन द असम्बली? तो ये अक्टूबर 1953 की बात है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला को कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? तो कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। चलिए, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड? तो पाकिस्तान में पहला आइन 23 मार्च 1956 को लागू हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की जानिब। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग एनफोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? तो चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के सदर थे, जब वज़ीर आज़म थे जब पहला आइन पाकिस्तान में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। What official name was given to Pakistan in 1956 Constitution? तो पाकिस्तान का सरकारी नाम क्या था 1956 के आइन में? तो ये अब भी है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये 1973 के आइन में भी है। और क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। Which kind of system of government was introduced in 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें वज़ीर आज़म और सदर दोनों के अहदे होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्रेसिडेंट ये तमाम जो नेशनल असम्बली है, सेनेट है, प्रोविंशियल तमाम प्रेसिडेंट का इंतखाब करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 46 की जानेब, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के तकसीम के वक्त कौन वायसराय थे? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, जबकि वे ये भी याद रखें कि लॉर्ड कैनिंग इंडिया के पहले वायसराय थे, ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंतहाई अहम क्वेश्चन है ये, तो सर आगा खान मुस्लिम लीग के पहले सदर थे। और क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल वाज पास, तो ये 1889, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इन विच ईयर सैयद जमालुद्दीन अफगानी डाइट, तो सैयद जमालुद्दीन 1897 में वफात हुए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, वट वॉज द रियल नेम ऑफ तेतुमीर, तो नासिर अली, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, विच फॉस कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, तो ये खैबर फॉस के ज़रिए कनेक्ट होते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, द हाइस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज सिकसर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 53 और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, तो नेशनल असम्बली वज़ीर आज़म का इंतखाब करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।